हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सचिन सेश एंड आप देख रहे हैं IIPL कंप्यूटर ट्रिक्स। सो आज मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ MS Paint में कंप्लीट चेस बोर्ड कैसे बनाया जा सकता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो MS वर्ड पेंट में कंप्लीट चेस टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट टूल ले लेंगे। ओके, टेक्स्ट टूल से हम एक टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट कर लेंगे। ओके, अब टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करने के बाद यहाँ पे एक टैब खुल जाएगा जिसमें हम जाके फॉन्ट बॉक्स में वेबडिंग्स नाम का फॉन्ट ले लेंगे। अब वेबडिंग्स नाम का फॉन्ट लेने के बाद कीबोर्ड से ग्रेटर देन का सिंबल प्रेस कीजिएगा 4 बारी। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे बस उसे सेलेक्ट कीजिए, उसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। ओके, साइज़ बड़ा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ कर सकते हो आप। ओके, जितना भी बड़ा आपको सही लगता हो। उसके बाद यहाँ पे उसको कर लीजिए आप कॉपी। सो कॉपी करने के बाद आप उसे पेस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। सो अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये कुछ कुछ चेस टेबल जैसा दिखने लगा है, लेकिन इसका कलर क्योंकि लाल है तो हम चल के इसका कलर चेंज कर देते हैं। सो सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, देन इसे ब्लैक कर देते हैं, जो कि आमतौर पर चेस टेबल होता ही है। ओके, अब इतना करने के बाद हम यहाँ पे जाके ले लेंगे स्क्वायर ना स्क्वायर शेप। ओके, और उसे इसके ऊपर हम एडजस्ट कर देंगे जिससे हम इसकी आउटलाइन तैयार कर सकें। ओके, सो इसे आराम से कीजिएगा माउस से। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसकी आउटलाइन एडजस्ट कर दी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा कंप्लीट चेस टेबल तो तैयार हो चुका है। ओके, अब इसमें रह गए हैं तो सिर्फ हमारे हाथी घोड़े, ओके, एंड राजा किंग एंड क्वीन। सो चलिए उन सबको भी लेके आते हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ की मदद लेंगे जिसे हम बोलते हैं चार मैप। ओके, इन शॉर्ट उसका फुल फॉर्म बोल सकते हो कैरेक्टर मैप। ओके, सो यहाँ पे हम विंडो R प्रेस कर देंगे। ओके, यहाँ पे रन बॉक्स खुल जाएगा। सो रन बॉक्स में हम यहाँ पे लिख देंगे चार मैप, एंटर कर देंगे तो उससे एक हमारे पास एक छोटा सा कैरेक्टर मैप ओपन हो जाएगा जिसमें हमारे पास फॉन्ट्स के अलग अलग जो सीक्रेट सिंबल्स होते हैं वो सब देखने को मिल जाएंगे। सो अब यहीं पे हम जो है एक फॉन्ट को सर्च करेंगे जिसका नाम है एरियल यूनिकोड MS। आमतौर पर एरियल यूनिकोड MS हर MS पेंट में आपको शायद देखने को ना मिले। सो अगर आपके MS Paint में है तो आप ये चीज़ यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो फिर ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे एरियल यूनिकोड MS सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब उसके बाद आप अपने यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग करते हुए लेके आ सकते हो अपने कर्सर को। ओके, सो चलिए इसे ड्रैग करते हुए नीचे लेके आते हैं। सो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें किंग क्वीन, ओके, और बाकी सारे के सारे सिपाही हाथी घोड़ा ऊँट सब देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो इन सबको हम यहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंट पर लेके कैसे आएंगे। ओके, वैसे तो मैंने यहाँ पे ये ड्रैग करके आया हूँ, लेकिन अगर आप चाहे तो इसे सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे एडवांस व्यू पे जा सकते हैं एंड सर्च फॉर पे यहाँ पे नाम लिख सकते हो आप उन चीज़ों उन पीसेस का जिनके नाम आपको मालूम, लेकिन नाम आपको जो है इंग्लिश में लिखने पड़ेंगे। ओके, जैसे कि किंग मैंने लिखा और एंटर कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किंग ही सिर्फ दिख रहा है। इसी तरीके से आप अगर यहाँ पे लिखोगे नाइट, ओके, एंड एंटर कर दोगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं दिखाई दी, क्योंकि मेरी जो नाइट की स्पेलिंग थी वो गलत थी। ओके, सो इसीलिए आपको सही तरीके से स्पेलिंग लिखनी पड़ जाएगी, और दूसरा आपको उन सभी के नाम इंग्लिश में भी याद होने चाहिए, जो कि आमतौर पर बहुत कम लोगों को रहता है, जैसे कि हमें सिर्फ हाथी घोड़ा ऊँट ही याद रहते हैं। सो चलिए कोई नहीं, सो आप इस तरीके से ड्रैग करके भी आ सकते हो, और या फिर अगर आपको नाम मालूम है सबके इंग्लिश में तो आप उन नाम से ही उसे सर्च करके कर सकते हो। सो चलिए अब यहाँ पे इन सबको लेके चलते। सो यहाँ से अब कैरेक्टर मैप से इन सभी कैरेक्टर्स को हम MS Paint में कैसे लाएं। सो उसके लिए उन सभी कैरेक्टर्स को हम सबसे पहले कर लेंगे सेलेक्ट। ओके, सो यहाँ पे मैं एक एक करके सारे कैरेक्टर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी हमें चाहिए। ओके, थोड़ी सी गलती हो गई, माउस तो चलिए दोबारा से सिलेक्शन पे चलते हैं। सो इस तरीके से एक एक करके यहाँ पे मैंने सारे के सारे कैरेक्टर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे अब आप देख रहे हो सारे कैरेक्टर्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंड अब उसके बाद मैंने बस इन सबको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप चाहो तो कैरेक्टर मैप बंद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड वापस से MS Paint पे आ सकते हो। MS Paint यहाँ पे वापस आने के बाद हम दोबारा से सेलेक्ट कर लेंगे अपना टेक्स्ट टूल।
ओके और सेम चीज़ साइड में एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। एंड ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो फॉन्ट है वो इस बार वेबडिंग्स ना हो, क्योंकि अगर वेबडिंग्स होंगे तो फिर यहाँ पे हम जब पेस्ट करेंगे तो हमें वो सिम्बल्स नहीं देखने को मिलेंगे बल्कि वेबडिंग्स के कोई दूसरे सिम्बल्स देखने को मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे इसे पेस्ट कर दीजिए। तो जैसे कि आप देख रहे हो पेस्ट करते हो सारे के सारे सिम्बल्स यहाँ आ चुके हैं। अब उसके बाद इन सभी सिम्बल्स को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए अपने टेबल के अनुसार। ओके मेरे ख्याल से इतना साइज सही रहेगा। अब इन सबको जो है इन सब के आउटलाइंस को आप चाहे तो थोड़ा सा कलर चेंज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे कि ये जो टूल्स है ये जो हमारे सिंबल्स है इनकी जो आउटलाइन का कलर है वो ब्लैक है, तो जैसे हम इन्हें ब्लैक के ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल गायब भी हो जाएंगे, हमें दिखाई भी नहीं देंगे। सो इसीलिए हम यहाँ पे इन सब का जो है कलर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ओके सो कलर चेंज करने के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले इन्हें सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ऊपर जाके मैंने जो है हल्का सा ग्रे कर दिया। ओके सो अब यहाँ पे इन सभी कैरेक्टर्स को तो मैं यहाँ ले आया, लेकिन अब इन्हें मैं वहाँ कैसे लेके जाऊँ? सो उसके लिए हम सबसे पहले चले जाएंगे अपने सिलेक्शन टूल पे। सो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट कर दिया एंड रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को ले लिया। सो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में सबसे पहले मैंने जो है लिया अपने क्वीन को और उसे उठा के वहाँ पर रख दिया। अब एक चीज़ देख रहे होगा कि जब मैं इसे सिलेक्शन करके उठा रहा हूँ तो उसके साथ साथ जो हमारा सिंबल है सिंबल के साथ साथ आप देख सकते हो कि उसका वाइट बैकग्राउंड भी उठ के उसके साथ आ रहा है, और जिस वजह से हमारी टेबल ख़राब हो जा रही है। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए हम जब सेलेक्ट करेंगे तो सिलेक्शन टूल पे एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पे जाके वहाँ ले लेंगे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का ऑप्शन। ओके ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन से क्या होगा कि इसके जो ये वाइट कलर है ये हमें फिर दिक्कत नहीं देगा। ओके सो अब यहाँ से आप ले जा सकते हैं अपने कैरेक्टर को एक एक करके वहाँ पे रख सकते हो। ओके साइज़ को एडजस्ट करना हो तो यहाँ सब साइड छोटा बड़ा कर सकते हो। ओके एंड अब इसी तरीके से एक एक करके सारे कैरेक्टर्स को उठा के बस वहाँ रख सकते जा सकते हो। अब क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि चेस में दो हाथी होते हैं लेकिन मैंने सिर्फ एक ही हाथी को कॉपी किया है, सो अब दूसरा हाथी कैसे है? सो हाँ सिंपली हम इसको भी कॉपी और पेस्ट कर लेंगे। सो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मैं दूसरा हाथी ले आया। ओके सो अब इसी तरीके से हम बाकी कैरेक्टर्स के साथ भी करेंगे। यहाँ पे अब ऊँट की बारी। ओके ऊँट को लिया देन ऊँट मैंने यहाँ पे रख दिया, लेकिन अब इसमें यह है कि बार बार कॉपी पेस्ट कर सूँ तो इसमें बहुत टाइम लगता है। ओके सो इसलिए मैं यहाँ पे अब एक दूसरा तरीका यूज़ करूँगा कॉपी पेस्ट करने के लिए। उसका तरीका है सो कंट्रोल दबा के उस पर क्लिक कर सकते हो जिससे कि आप उसकी कॉपी कर पाओगे। ओके सो इसी तरीके से फिर आप आगे जाके घोड़े के साथ कर सकते हो। सो घोड़े के ऊपर रखा। तो अब यहाँ पे भी हम इसे भी कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगेगा तो इसलिए मैं अब यहाँ पे एक नया तरीका यूज़ करने वाला हूँ जो कि हमारा कंट्रोल एंड माउस क्लिक। सो इसके ऊपर आप ले जाइए और अपने माउस को एंड वहाँ पे कंट्रोल दबा के माउस का क्लिक दबा के इसे खींच लीजिए। सो आप देख सकते हो वो ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो गया। ओके सो इसी तरीके से अब हम घोड़े के साथ करते हैं। घोड़े को मैंने पकड़ा। ओके देन उसको उठा हम यहाँ पे मूव करते हैं। देन सेम चीज कंट्रोल क्लिक का यूज़ करके हम घोड़े को भी कॉपी कर लेंगे। ओके सो अब इसी तरीके से यहाँ पे हम राजा को देखते हैं। ओके सो राजा को भी हम यहाँ पे मूव कर लेंगे अब ये लीजिए। ओके एंड नाउ लास्ट हमारा सिपाही। ओके सो इसे भी उठा के यहाँ पे रख देते हैं एंड देन कंट्रोल क्लिक की मदद मतलब से बस कॉपी पेस्ट करते चले जाते हैं। तो इसी तरीके से आप दूसरी साइड भी सभी प्लेयर्स को लगा सकते हो और इस तरीके से आप बना सकते हो एमएस पेंट में एक कंप्लीट चेस टेबल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।